सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे वन प्लस की तरफ से इंडिया में लॉन्च होने वाले एक नए स्मार्टफोन वन प्लस नोट सी टू लाइट 5G के बारे में। काफी बड़ा है इसका नाम। और ये जो स्मार्टफोन है, ये 28 अप्रैल 2022 को इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है। अमेजोन पर इसका लैंडिंग पेज आ चुका है और उसी के साथ सारे स्पेक्स भी कंफर्म हो चुके हैं। तो बिना किसी देरी के बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में, क्या कुछ फीचर्स होंगे, क्या क्या स्पेक्स होंगे, किस प्राइस पॉइंट पर आएगा और ओवरऑल कैसा रहने वाला है फोन, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो बात करते हैं सबसे पहले फोन की बिल्ड क्वालिटी और के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर प्लास्टिक मिलेगी, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास का प्रोटेक्शन मिलेगा। डिसेंट सी बिल्ड क्वालिटी है। डिजाइन की अगर बात करें तो जानी पहचानी सी डिजाइन है। बैक साइड में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको रेक्टेंगल शेप में कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पर 3 कैमरे का यूज किया गया है। साथ ही में LED फ्लैश मिलता है और नीचे में वन प्लस का लोगो दिया गया है। फ्रंट में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पंच होल डिस्प्ले मिलता है। 2 कलर में फोन आएगा, ब्लैक कलर में और ब्लू कलर में। तो ओवरऑल दिखने में फोन अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन आपको डिसेंट मिलते हैं। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.59 इंच का काफी बड़ा मिलता है डिस्प्ले। 6.59 इंच का फुल HD प्लस रेजुलेशन वाला IPS LCD पैनल यहाँ पर आपको मिलेगा, एमुलेट नहीं मिलने वाला है। 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो रहेगा, 400 PPI पिक्सल डेंसिटी होगी, 600 nits पिक ब्राइटनेस आपको इसमें मिलेगी, HDR10 का सपोर्ट भी आपको इसमें मिलता है। तो कंटेंट वॉचिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। डिस्प्ले को और स्मूथ करने के लिए इसमें 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है एंड 240 हर्ट्ज का टेस्ट सैम्पलिंग रेट भी आपको इसमें मिलता है। तो ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग और गेमिंग दोनों के लिए डिस्प्ले बढ़िया है। डिस्प्ले में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो Qualcomm Snapdragon 695 चिपसेट आपको इसमें मिलता है। ये वाला चिपसेट बहुत से फोनों के अंदर देखा गया है। 6 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, एनर्जी इफिशियंट रहता है, हीटिंग का इशू आपको कम निकाल कर देता है, तो ये एक काफी अच्छी बात है। गेमिंग ग्राफिक्स के लिए Adreno 619 GPU मिलता है, जो कि डिसेंट गेमिंग आपको करा देता है। एडिटिंग वगैरह अगर आप करते हो तो वो भी आप अच्छे से कर पाओगे। तो ओवरऑल प्राइस पॉइंट के हिसाब से परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाती है, परफॉर्मेंस में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली। बात करें फोन के कैमरास की, तो उतने ज्यादा अच्छे कैमरास आपको इसमें नहीं मिलने वाले। बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का रहेगा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा रहेगा। तो प्राइमरी कैमरा के अलावा बाकी के 2 कैमरा आपके किसी भी काम नहीं आने वाले। इससे आप 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ना 1080p 60fps है और ना 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, इससे भी आप 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक एवरेज सा कैमरा सेटअप आपको इसमें मिलता है। बात कर लेते हैं फोन की बैटरी के बारे में, तो 5000 mAh की बैटरी आपको इसमें मिलती है। नॉर्मल यूजेज पर एक दिन का बैकअप आप निकाल सकते हैं। फोन को चार्ज करने के लिए 33 वाट के चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है और 33 वाट का ये चार्जर आपको मिलता है बॉक्स के अंदर, जो कि काफी अच्छी बात है। चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी पोर्ट और 3.5mm ऑडियो जैक भी इसमें मिलता है। तो ओवरऑल बैटरी का साइज अच्छा है। हाँ, इस प्राइस पॉइंट पर आपको 65 वाट तक का चार्जर मिल जाता है, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। फटाफट से आप बात कर लेते हैं सिक्योरिटी, प्राइवेसी और सेंसर के बारे में। तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। सेंसर में लगभग सारे सेंसर आपको इसमें मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर में एंड्रॉइड 11 के ऊपर आपको फोन मिलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 आपको नहीं मिलेगा। अपडेट के बाद डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलेगा। उसी के साथ आपको मिलेगा ऑक्सीजन OS 11, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहने वाला है। स्पीकर्स में सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स आपको मिलेंगे, ड्यूअल स्टूडियो स्पीकर्स इसमें नहीं दिए गए हैं। कार्ड स्लॉट में डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट आपको मिलता है। 2 वेरिएंट के साथ में फोन आएगा, 6+128 और 8+128 एंड 6GB+128GB का जो प्राइस है वो 19,999 रुपीज
सीरीज रखा गया है। तो ओवरऑल स्पेक्स देखे जाए तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, डिस्प्ले अच्छा है, परफॉर्मेंस डिसेंट है, कैमराज एवरेज है, बैटरी डिसेंट है, सिंगल स्पीकर है, तो डिसेंट से स्पेक्स है। मेरे हिसाब से 20,000 के प्राइस पॉइंट पर ये स्मार्टफोन आपको इतनी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवाता जितना इसका प्राइस रखा गया है। बाकी आपको इसके स्पेक्स कैसे लेंगे, क्या आप इस फोन को लेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली एक टेक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।